नाने उर्दू न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती। तो भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम चौबत में कहां मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गल्सर, रानी हार वो दीगर दस्तियाब है। बताया हजरत पीरपुरा नगर नांदेड़। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्ला बेग, अदर बेग, अलबरकत, होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड दिगलू नाका नांदेड़। وعليكم ورحمة الله وبركاته نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شاہ رشید تشریف فرما نظام آباد کے ذمہ داران وہ سماجوادی پارٹی کے امیدوار اور ناندیڑ سے آئے ہوئے صدور و معتمدین مقائدین اور آج کے جلسے میں میرے نوجوانوں بزرگوں اور پسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت دار ماں اور بہنوں آج کا یہ جلسہ حالات حاضرہ کے عنوان پر منعقد کیا گیا ہے اور اس جلسے کے ذریعے سے آج سماجوادی پارٹی آپ کے درمیان میں ملک کے حالات کو آپ کی ریاست کے حالات کو اور آپ کا جس شہر سے تعلق ہے اور شہر کے حالات کو آپ کے سامنے رکھنے آئی ہے۔ آج اگر اخبارات کی سرخیاں آپ دیکھتے ہیں اور نیوز چینلوں کے ڈیبیٹ میں اگر حصہ لیتے ہیں یا پھر کسی بھی نیوز چینل کو اگر پلٹاؤ گے تو چاروں طرف فرقہ پرستی کا ماحول ہے، تشدد کا ماحول ہے، ختل و غارت گری کا ماحول ہے۔ اس سے پہلے ہندوستان میں جتنے تشدد اور جتنے فسادات ہوئے ہیں اور جس طریقے سے اس ملک میں فرقہ پرستی سر چڑھ کر بول رہی ہے اور پھر ختم تو ہو رہا ہے، نہتوں کا ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان کی ویڈیو کلپ بنا کر تشہیر بھی کی جاتی ہے۔ آج میرے بھائی اس عظیم ہندوستان میں اگر ہم تمام سماجوں کی اگر بات کرتے ہیں سب سے زیادہ ہندوستان میں اگر تشدد میں الجھا ہوا اور تشدد کو چھیلتا ہوا اور اگر کسی کا قتل ہو رہا ہے اور مقتول اس ہندوستان میں اگر کسی ریاستوں میں پائے جا رہے ہیں تو سب سے زیادہ موب لنچنگ میں کسی کا قتل ہوتا ہے یا پھر مذہب کے نام پر اگر کسی کو مارا جاتا ہے یا پھر اسلام دشمن عناصر اس ملک میں زور و شور سے کبھی مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں تو کبھی ٹوپی کو، کبھی چہرے کو، کبھی داڑھی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو کبھی اس ملک میں دلتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو آج اس ملک کی تاریخ لکھنے والے یہ ضرور لکھ رہے ہوں گے کہ جب سے بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت میں آئی ہے
फिरका परस्तों के हौसले और ताकतवर हो रहे हैं। और इस मुल्क में हिंदुस्तान की तारीख में अगर दानिश्वरों की अगर निगाह है तो जरूर देख रहे होंगे कि मुल्क की आजादी के बाद से लेकर आज तक जो तारीख लिखती आई है उन तारीख में कभी भी इंसान हाथ को नहीं देखा होगा जो बीजेपी की हुकूमत में आज हो रहा है। आज मेरे प्यारे मुसलमानों, आज हिंदुस्तान के जो हालात है ये हालात हम से चीख चीख कर पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि आज हमको अगर जरूरत है तो फिरका परस्त अनासिर को यहां सत्ता से इख्तदार से दूर रखकर सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए सेकुलर फोर्सेस का हमको साथ देना है। आज इन तकलीफ से कौन गुजर रहा है? अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, अगर कर्नाटक का रुख किया जाए, अगर हम हरियाणा की तरफ देखते हैं या फिर महाराष्ट्र में देखते हैं या फिर हमारे इस मुल्क की राजधानी दिल्ली की तरफ देखते हैं तो देखो देखने वालों कि आज किस तरीके से फिरका परस्ती का माहौल बनता जा रहा है। और इस फिरका परस्ती के माहौल में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से वोटों का बंटवारा हो, प्लुराइज कर हम और दूसरी मरतबा इख्तदार को हासिल कर ले। पिछले दिनों हरियाणा में क्या हुआ मेरे भाई, बुलंदशहर का रहने वाला एक नौजवान, मुस्लिम नौजवान गुरुग्राम में काम की तलाश में जाता है तो उसको पकड़ कर ले आते हैं, उसकी दाढ़ी को नाई के पास काट देते हैं। गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही है। आज फिरका परस्ती है और इस फिरका परस्त माहौल में हिंदुस्तान के वो मुस्लिम रहनुमा या दानश्वरान खौम या दलितों से ताल्लुक रखने वाले हमारे दलित भाइयों के रहनुमा या फिर हिंदुस्तान में हिंदू जहनियत के सेकुलर जहनियत के रखने वाले लोग आज मुल्क में अजीब बेचैनी को देखते हुए कह रहे हैं कि आज हमको हिंदू मुस्लिम भाईचारगी की बेहद जरूरत है। आज हालात और वक्त दहाड़ा है मेरे प्यारे मुसलमानों कि हमारी गौआ जमनी तहजीब को पुरअमन और खुशबहाल रखने के लिए हमको पहचानना होगा कि कौन अपना है कौन पराया है, कौन फिरका परस्त है कौन अमन पसंद है। आप देखिए कि जिस तेजी से फिरका परस्ती हिंदुस्तान में बढ़ रही है इससे पहले इसकी कभी नजीर नहीं मिलती। आपको मालूम है नौजवानों, हिंदुस्तान दुनिया का तीसरे नंबर का वो मुल्क बन चुका है जहां पर जानवर के नाम पे इंसानियत का खतर हो रहा है। आज ये हालात है और इससे बदतर हालात को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, हिंदू विश्व हिंदू परिषद, राम सेना, शिवसेना, हिंदू महासभा, अभिनव भारत, ये तमाम के तमाम दल आज अपने अपने इलाकों में काम पे लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी हुकूमत से आने से पहले हुकूमत में किस तरीके के वादे और अपने झूठे मंजूर और मंशूर को एजेंडे को सामने रखकर अवाम के सामने जलसों के जरिए से खिताब कर रहे थे कि सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, हर एक को साथ में लेकर चला जाएगा, सबकी सुरक्षा होगी, महिलाओं की सुरक्षा होगी, घर देने का वादा किया, नौकरियों का वादा किया, महंगाई जो आसमान को छू रही थी कम करने की बात कही गई और यहां पर सबका साथ सबका विकास का नारा देकर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के चाहने वालों ने एक अजीब भीड़ और मामला किया। लेकिन मेरे भाई, जो काले धन को वापस लाने की बात कर रहे थे, आज बतलाओ कि हिंदुस्तान में
ये गरीब हिंदुस्तानियों का पैसा लेकर कौन हिंदुस्तान के बाहर जा रहा है? जिन लोगों ने साल में एक साल में 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, आज तक नौकरियां किसी को नहीं मिली। जो लोग चौकीदार बनकर मुल्क की हिफाजत की बात कर रहे थे, मुल्क के वो लुटेरे जो नीरव मोदी के नाम पर, और फिर आप देखते हैं कि किस तरीके से यहां पर हजारों की मिल्कियत को लेकर, रुपए पैसे को लेकर भाग जाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी अपने प्रोग्राम में, अपने वादों में, अपने मंशूर में, अपने मंसूबों में नाकाम हो चुकी है, और फिर से इख्तदार को हासिल करने के लिए फिर से वही बाबरी मस्जिद का नारा दिया जा रहा है, फिर से वही शिला निवास का नारा दिया जा रहा है, फिर से वही हिंदुत्व की ताकत को बढ़ाने के लिए हिंदुओं को जोर दिया जा रहा है, फिर से मासूम तबका पर जुल्म कर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में आने के लिए बेचैन है। आज मेरे प्यारे मुसलमानों और यहाँ की मेरी माँ बहनों, याद रखो, वक्त और हालात का तहाजा है कि हम अपने वोटों की ताकत के जरिए से ऐसे फिरका परस्त अनासिर को इख्तदार से दूर रखें, क्योंकि हालात है मेरे भाई। उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की हुकूमत आती है तो क्या कर रहे हैं? जो लोग बदलाव की बात कर रहे थे, तब्दीली की बात कर रहे थे, अच्छे दिन की बात कर रहे थे, वो काम तो नहीं कर सके, लेकिन उसके इवन में आज नाम बदलने का काम कर रहे हैं। शहरों का नाम को बदला जा रहा है। हर जो कोई बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाता है, उसको मारने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली की राजधानी में आपने देखा होगा कि किस तरीके से उमर खालिद पर हमला होता है, उस उमर खालिद उस हमले में बार बार बच जाता है। जो कोई आवाज उठा रहा है, हमारे महाराष्ट्र में दाभोलकर ने आवाज उठाई तो खत्म कर दिया गया। कर्नाटका में हमारे एक पत्रकार बहन ने आवाज उठाई, उसको खत्म कर दिया गया। और आज मेरे भाई बीजेपी के खातिर दिन दहाड़े हथियारों के साथ में घूम रहे हैं, लेकिन आज खौफ और डर के माहौल से निकलकर हमको सेक्युलर फोर्सेस का साथ देना होगा। हिंदुस्तान में कभी ऐसा वक्त नहीं आया होगा। हिंदुस्तान की तब्दीली, हिंदुस्तान के हालात ये हमको बता रहे हैं कि आने वाला वक्त क्या होगा। और इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हो रहा है, किसी कौम को मारा और पीटा जा रहा है, तो मुसलमानों को और दलितों को मारा और पीटा जा रहा है। आप जरूरत है मेरे प्यारे मुसलमानों कि हम आने वाले वक्त को पहचाने, हम सर्वे के कौन अपना है, कौन पराया है। आपका ताल्लुक जिस रियासत से है, उस रियासत का चीफ मिनिस्टर आज आपको बेवकूफ बनाने के लिए आने वाले इंतखाबात में यहां की अवाम को यह समझ में ना आ जाए कि मैंने किस तरीके से बीजेपी के साथ साठगांठ कर चला जाऊंगा, इसलिए एक असेंबली के इंतखाबात को बॉडी को डिसॉल्व कर लोकसभा की तैयारी में लगा हुआ है। वो चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से सेकुलरिज्म के नाम पर अपने नकाब को ओढ़कर अवाम के वोटों को हासिल कर लो, और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में फिर से मैं बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगा। क्या मैं गलत कह रहा हूं मेरे भाई कि कितने वादे किए गए टीआरएस गवर्नमेंट के सीआर ने? क्या कुछ नहीं कहा कि ये करेंगे, वो कर देंगे और ऐसा कर लेंगे? लेकिन एक भी वादा, जैसा मोदी का वादा था वैसा केसीआर का वादा है, और क्यों ना होगा, दोनों के ख्याल एक जैसे। तेलंगाना की आवाम ने सोचकर टीआरएस को, केसीआर को यहां पर इख्तदार में लाया कि शायद कुछ काम होगा। मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन की बात कही गई थी,
शायद मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलेगा और मुस्लिम बच्चे यहाँ के पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, वकील बनेंगे, हमारे बच्चे आगे बढ़ने से महरूम हो गएंगे। चंद नफाज परस्तों के टेलों टोले को खुश करकर आज के सीआर यह समझ रहे हैं कि फिर से एक मरतबा इख्तदार में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप देख लेना, ये निजामाबाद की मेरी पहली तकरीर, मैं देख रहा हूं कि आज तेलंगाना की सूरत हाल दिन ब दिन एक एक दिन केसीआर और टीआरएस के लिए खतर खराब होती जा रही है। लोग नहीं समझते कि भारतीय जनता पार्टी के वादों को लोगों ने नहीं समझा, तो आज केसीआर का वादा था कि 12% का रिजर्वेशन देते। केसीआर ने 12% रिजर्वेशन की बात अब के मंशूर में भी खत्म कर दी। अनेर इनकाउंटर, 5 बच्चों को शहीद किया गया, हुकूमत केसीआर टीआरएस की है। मक्का मस्जिद बम धमाके, आपके अपने तेलंगाना स्टेट हैदराबाद की मशहूर और मारूफ मक्का मस्जिद में बम धमाके हुए थे, और उसके बाद आपने देखा कि किसी हुकूमत के दौरे इख्तदार में किस तरीके से वो लोग बाइज्जत बरी होते हैं। आज जो लोग केसीआर के साथ में हैं, बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं और कहते हैं कि हम केसीआर के साथ में हैं, केसीआर तेलंगाना बनाने से पहले, तेलंगाना बनने से पहले इनके लोकसभा के तहारीर को उठाकर देख लो कि ये कह रहे थे कि क्या तुम तेलंगाना बनाकर हमारी जानों की बलि कुर्बानी लेना चाहते हो, मारना चाहते हो। लेकिन जैसे ही तेलंगाना बनता है तो मेरे भाई, ये मूंग मियां मिट्ठू को असेंबली में तुम लोगों ने भी सुना होगा, कहा कि सबसे अच्छा अगर कोई चीफ मिनिस्टर है तो केसीआर है, और इनको यहां पीएम या प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। अजीब और गरीब पलटी मारते हैं। आज ये बीजेपी के दरखरीद गुलाम जो आकर महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो आकर कर्नाटक में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो आकर उत्तर प्रदेश में बिहार में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या निजामाबाद की अवाम या तेलंगाना की अवाम, क्या यहाँ के मासूम मुसलमान, क्या यहाँ के गयूर मुसलमान कभी उनसे ये नहीं पूछते कि आप जाते हो महाराष्ट्र को, आप जाते हो उत्तर प्रदेश को, आप जाते हो बंगाल को, आप जाते हो बिहार को, आप जाते हो कर्नाटक को, इन तमाम रियासतों में जाकर मुसलमानों के ताल्लुक से आप कहते हैं कि मुसलमानों की गुर्बत को देखते हुए, मुसलमानों की तालीमी हालत को देखते हुए, मुसलमानों की घरों की और नौकरियों की हालत को देखते हुए आप कहते हो कि यहाँ पर मुसलमान आकर, यहाँ पर मुसलमान नौकरियों में पीछे है, तालीमी मैदान में पीछे है, यहाँ का मुसलमान रोजगार में पीछे है, यहाँ का मुसलमान नौकरियों में पीछे है। मेरे भाई, लेकिन क्या पिछले 4 सालों में केसीआर को कहने को इनको तौफीक नहीं हुई? क्या कभी नहीं कहा कि तुम्हारा वादा था कि तुम कह रहे थे कि नौकरियां मिलेंगे, तुम कह रहे थे कि यहां पर तुम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, तुम कह रहे थे कि यहां पर किसी को खत्म नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में आते हैं मेरे भाई, इनकाउंटर्स की बात पर आधा आधा एक एक घंटा तहारीर करते हैं, रिजर्वेशन की बात पर एक एक घंटा तहारीर करते हैं, वहां पर आकर मुसलमानों की तालीमी हालत को बताते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आपका जिस तेलंगाना से, जिस रियासत से ताल्लुक है, उस रियासत की सूरत हाल क्या है? क्यों नहीं आप पर मुसलमानों के लिए आवाज उठाते रिजर्वेशन के लिए? क्या हो गया था आपकी जबान को कि
जिहाद में अराइल इनकाउंटर के शहदा के लिए आवाज तक नहीं उठाई। अरे आवाज तो छोड़िए, उन बच्चों के जनाजे में तक शरीक नहीं हुए मेरे प्यारे मुसलमानों। अरे मक्का मस्जिद के बम ब्लास्ट में अगर आप चाहते तो हुकूमत से कहते कि आवाज उठाइए, हाई कोर्ट को जाइए, लेकिन आपने वो काम भी नहीं किया। और फिर मैं यकीन के साथ कह रहा हूं मेरे प्यारे मुसलमानों, इनका डर और इनके खौफ का ये आलम है कि सबके दिलों में इनके ताल्लुक से तो नफरत है, लेकिन उस नफरत को बयान कोई अगर करता है तो वहां पर पीडीएट में उनको डाल लिया जाता है। अगर कोई छोड़ता है इनको तो मुनाफिक बन जाता है, कोई छोड़ता है तो मीर जाफर मीर सादिक बन जाता है। अगर इनकी पॉलिसीज को नजरअंदाज कर अलाहदा होकर अगर कोई इस पार्टी से अलग हो जाता है तो गद्दार कहलाता है। अगर इनकी पार्टी को कोई अगर छोड़ता है तो उस पर ऐसे ऐसे लानत लगा देते हैं। तो मजबूर है मेरे प्यारे मुसलमान, आज हालत यह है कि जिस गली से ये लोग वोटों को मांगने के लिए जा रहे हैं, अवाम सामने आकर ठहर जा रही है। अरे बरसों से हम भी बेचैन थे, बरसों से हम भी परेशान थे, बरसों से महाराष्ट्र के मुसलमानों को ये लगता था कि काश कोई हमारा लीडर हो, हमारा रहनुमा हो और इनके लच्छेदार तकारीर को सुनकर नारे तकबीर और अल्लाह अकबर की सदाएं देकर हमने इनको अपने सर पे और कंधे पर बिठाकर हर जगह पर लेकर गए। लेकिन याद रखो मुसलमानों, हिंदुस्तान के हालात इस कदर जो नाजुक हुए हैं, इससे पहले कभी इसकी नजीर नहीं मिलेगी कि मॉब लिंचिंग के नाम पर जिस तरीके से मुसलमानों का खत्म हो रहा है, हमारी शरीयत में मना गलत हो रही है, हमारे शहर या हमारे अपने स्टेट महाराष्ट्र के अंदर अगर बीफ पे पाबंदी आई है तो इन तमाम के जिम्मेदार ये याजूज और माजूज है। लोग तो मैं समझता हूं कि आने की बहुत ख्वाहिश किए होंगे मेरे भाई, जलसे में बहुत लोग आना चाहते थे, लेकिन यहां की इनकी चोरों की टोली से भी डर के नहीं आए होंगे। कोई बात नहीं है, डरो मत, घबराओ मत। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हिंदुस्तान के मोतबर उलमा इकराम आज मैदान में आ चुके हैं। आज हिंदुस्तान के रहनुमा जो अंबिया के वारिस हैं वो मैदान में आ चुके हैं। वो देख रहे थे बरसा बरस से इनकी करतूतों को, वो देख रहे थे कि बिहार में जाते हैं तो किसके इशारे पर जाते हैं, वो देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अगर जा रहे हैं तो किसके इशारे पर जा रहे हैं, वो देख रहे थे कि महाराष्ट्र में अगर जा रहे हैं तो किसके इशारे पर जा रहे हैं, वो देख रहे थे कि कर्नाटका में अगर जा रहे हैं तो किसके इशारे पर जा रहे हैं। मेरा सवाल है आपसे, तेलंगाना जहां पर ये है, जहां पर इनके बाप की दादा की पैदाइश है, जिसको अपने तहारीर के जरिए से कहते हैं कि सियासत हमारे घर की लौंडी है, 70 साल से तेलंगाना के मुसलमानों को वोटों को हासिल किया, क्या तेलंगाना में इतनी ताकतवर आपकी जमात नहीं बनी? 7 सीटों पर इक्तफा, 7 सीट 8 सीट लड़ाते, 1 MP की सीट लड़ाते पिछले 70 साल से, कभी बाप थे तो आज इन्हों हैं, अभी 70, 80, 90 साल के बूढ़ों को खड़ा कर दिए, लोग नफरत कर रहे हैं इनसे हैदराबाद में। तो नहीं नहीं। आप बतलाइए, यहां पर सिर्फ 7 सीट 8 सीट 9 सीट, महाराष्ट्र में आए तो 40 सीट लगा, कर्नाटका में जा रहे तो समझ गए थे लोग, तो महाराष्ट्र बिहार उत्तर प्रदेश के भाग में मुसलमानों ने समझ लिया कि ये लोग किसके इशारे पर कहां जा रहे हैं। उलमा इकराम आए मिले कि मत करो, लेकिन क्या करते मेरे भाई, बड़े अब्बा का हुक्म था, मोदी का हुक्म था तो वहां गए, पर वहां जाने के बाद में
अब लोग तो पहचान गए थे कि फरिश्ते के लिबास में मुसलमानों को आकर जज्बात में लाकर वोटों को तकसीम करने वाला ये शैतान, इसको समझ गए लो। तो उसके बाद में क्या किए, बोले हम फला के साथ गए और वहां भी गए तो किसके खिलाफ, जो मुसलमानों के लिए ठोस नुमाइंदगी कर रहा है, मसाइल पर आवाज उठा रहा है, वो रहनुमाओं के खिलाफ में। कभी जमील अहमद खान के खिलाफ में जाकर भाषण देते हैं, दूध पीता बच्चा कहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह उस दूध पीते बच्चे ने इनको वहां पर पानी पिला के वापस भेज दिया। आज मेरे प्यारे मुसलमानों, आपको पता होना चाहिए, इनके हेडविल या पैम्फलेट को मत देखो, कभी दीगर अखबार को भी पढ़ो, मुंशिफ को पढ़ो, सियासत को पढ़ो, आपके मुकामी अखबार को पढ़ो। उत्तर प्रदेश गए तो कितने सीट, बिहार गए तो वहां पर कितने सीट, और फिर महाराष्ट्र आए तो वहां पर कितने सीट, और इससे पहले आपके निजामाबाद आए तो निजामाबाद की अवैध ने नांदेड़ का रिजल्ट देखा, परभनी का रिजल्ट देखा, मुंबई का रिजल्ट देखा, महाराष्ट्र के मुसलमानों की वहां पर जिद्दोजहद को देखा, और वो देखकर यहाँ के निजामाबाद के मुसलमानों ने कहा कि नहीं, कि हमको भी आज इनका साथ देना है। और उस वक्त में 16 सीटों पर, 16 निशिस्तों पर इनको कामयाबी दी या नहीं दी। और क्या कह रहे थे उस वक्त आकर, क्या कह रहे थे जिस वक्त हुकूमत बल्दिया में किसी और की थी, तो उन पर ताना कशी कर रहे थे कि रोड कैसे है, नाली कैसी है, लाइट नहीं लगाते, स्कूल नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये बोल बोल कर मुसलमानों को मुसलमानियत का वास्ता देकर, इस्लाम का वास्ता देकर, मुत्तहिद होने की बात कर ये लोगों ने वोटों को हासिल किया। और हम तो मासूम है, हम तो गैरतमंद है, हमारी गैरत ईमानी अभी नहीं मरी है, तुमने झोली फैलाई और निजामाबाद के मुसलमानों ने तुमको बल्दियाती इंतखाबात में 16 सीटों से नवाज। उसके बाद क्या किया, अरे इलेक्शन हो गए, 4 साल खत्म होने को आए, कभी तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए मेरे भाई, आए क्या, जोर से बोलो। अरे इस आवाज को वो याजी उज और माजी उज उसके मुखबिर सुन रहे हैं, उन तक पहुंचाओ। 16 सीट निकले, टीआरएस के कितने, 10 सीट निकले ना, 7 निकले, 8 निकले, अगर आदाद और शुमार को देखा जाए तो मेयर किसको बनना चाहिए, किसको बनना चाहिए, किसका बनना चाहिए, याजूज और माजूज का बनना चाहिए था, लेकिन माना उल्टा, लेन देन कर सौदेबाजी कर यहां पर टीआरएस का मेयर बनता है, और फिर डिप्टी मेयर उस गोबर चोर को बना दिए। सही है गलत है, सही है गलत है, ये बेचारे भी अभी डरते डरते पहली मरतबा प्रोग्राम लिए, इनको भी खाकी वर्दी वालों का बड़ा खौफ दिख रहा, फोन आया इनको, ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो, यू मत बोलो, त्यू मत बोलो, पहले तो आने नहीं दे रहे थे, अब आने दिए तो इनको फोन कर डरा रहे। अरे डरना है तो अल्लाह से डरो, हक के लिए आवाज उठाओ, मैदान में उतरो, ये मुनाफिकीन से, ये सरखरीद गुलामों से, ये मिल्लत फरेशों से, ये हम के सौदागरों से मत डरो, इन नस्लों को बढ़ाना अगर है तालीमी मैदान में, यहाँ के मसाइल को अगर हल करवाना है तो सेकुलरिज्म का साथ दो, सेकुलरिज्म ताकतों का साथ दो। बहुत डरा लिए मेरे भाई, बीजेपी से कभी डराए तो, शिवसेना से कभी डराए तो, फला से डराए, अरे डर और खौफ की राजनीति से हमें बाहर निकलना होगा, हमको समझना होगा कि कौन हमको, हमारे वोटों को बिखेर रहा है, कौन है हमारा साथ दे रहा है। आज सूरत हाल तेलंगाना की, इनके अपने हलकों में क्या है,
जो लोग औरतों के तहफ्फुज की बात कर रहे हैं, जो लोग हैदराबाद में तहफ्फुज शरीयत का प्रोग्राम लेते हैं, जलसे लेते हैं, जो लोग कहते हैं कि औरतों पे जुल्म बंद करो, जो लोग कहते हैं कि औरतों पे सबसे ज्यादा जुल्म अगर होता है तो शायद दीगर में होता है लेकिन मुसलमानों में नहीं होता, जो लोग औरतों के दिफा की इज्जत की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, आज मेरा उनसे सवाल है कि नाम बल्ली फेरोज खान के हलके में जिस खातून को तुमने मारा, जिस खातून को तुमने पीटा, बताओ ए याजूज और माजूज तुमको क्या ख्वाब से हम लोग नवाजें। आज मेरे प्यारे मुसलमानों, ये लोग सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें स्टेजों पर करते हैं, अब आएंगे तेलंगाना के इलेक्शन में फिर से वो पुरानी कहानियों को लेकर आएंगे। निजामाबाद के आपके हलकों में 16 सीट 16 बल्लियाती मिंबर चुन के आए हैं, लेकिन बताओ मेरे प्यारे मुसलमानों, बार बार ये लोग शहर के डेवलपमेंट की बात की, बार बार निजामाबाद की तरक्की की रोड की बात किए, बार बार अपने जलसों में कहे कि हम आईने की तरह से रोड को बना देंगे, लेकिन निजामाबाद की जिस सड़क पर आप अपनी गाड़ी को डालते हैं, आप अपने हदवों को डालते हैं, निजामाबाद की हर सड़क वो खड्डों से भरी हुई है या नहीं है? निजामाबाद की सड़कों को दुरुस्त किया गया, खड्डों से भरी हुई सड़कें हैं यहां की, और फिर अफगानी मसाइल की बात कर रहे हैं, लेकिन हर तरफ देखा जाए तो रिश्वत का बाजार है, करप्शन का बाजार है। अरे क्या निजामाबाद की अवाम ने तुमको इस वजह से चुन के दिया कि तुम यहां पर औरतों पर जुल्म करोगे? क्या निजामाबाद की अवाम ने तुमको इसलिए चुन के दिया कि शादी मुबारक स्कीम के नाम पर तुम रिश्वत लोगे, पैसा लोगे, उसके बाद में गरीब बहनों को पैसा दोगे? क्या निजामाबाद की अवाम ने तुमको इसलिए चुन के दिया कि तुम जुए खाने चलाओ और जुए खानों के बदौलत तुम खुद जुआ खेलते हुए पकड़े जाओ? क्या यहां की अवाम ने तुमको इस वजह से चुन के दिया कि आज एक मरहूम की आप यादत और उसके जनाजे में शरीक होने के बजाय यहां पर एक मुकाम है वहां पर जाकर आप लोग पार्टी मनाते हैं? आज ऐसे बहुत से मसाइल है मेरे प्यारे भाई, और आज तक इनके खिलाफ में कोई आवाज नहीं उठी, क्योंकि ये लोगों का खौफ और खदशा और डर इस तरीके का है कि लोग नहीं चाहते हैं कि इनसे हम उलझ जाए। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मेरा दावा है कि आने वाले बंदियाती इंतखाबात में यहां की अवाम जब फिर से ऐसे खून के चोरों को, ऐसे खून के लुटेरों को, ऐसे खून के गद्दारों को जो चोरी में मनहूस है, जो जुए खानों में मनहूस है, जो रिश्वत में मनहूस है, जो काम नहीं करते, फिर से एक बार तुम उनको ओढ़ दोगे? नहीं देंगे मेरे प्यारे। अब वक्त आ गया है इलेक्शन का, इंतखाब आ रहे हैं। अब इंतखाबात के मौके पर काम तो कुछ नहीं है, फिर आ जाएंगे मुसलमानों का नाम लेंगे, फिर आ जाएंगे बाबरी मस्जिद का नाम लेंगे, फिर आ जाएंगे शरीयत में मदाखलत की बात करेंगे, फिर आ जाएंगे मुसलमानों के ऊपर जुल्म की बात करेंगे, फिर आ जाएंगे तालीम की बात करेंगे, फिर आ जाएंगे जेलों की बात करेंगे, और इसी जिमन में आपको जज्बाती बनाकर अपनी तहारई से होठों को हासिल करने की कोशिश करेंगे। मताओ ऐसे खून के लीडरों की साजिश में, मताओ ऐसे लोगों के जाल में मेरे प्यारे मुसलमानों। अरे मोमिन तो वो होता है जो एक अगर दिल से एक बार डस दिया जाता है तो दूसरी मरतबा नहीं डसा जाता। हो गए ना, अब आप सूरत हाल क्या है आपको नहीं मालूम मेरे भाई? आज हिंदुस्तान के हालात पर रोशनी डालो और देखो अखबारात की सुर्खियों को कि
طرف سیکولر ذہن رکھنے والوں کی یہ سوچ بن چکی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم لوگ بھارتیہ جنتا پارٹی کو اقتدار سے اتاریں گے اور ایک نئی اقتدار میں دوسری جماعت کو لائیں گے۔ عالم دین گلزار اعظمی صاحب کا بیان آتا ہے تو کیا بیان آتا ہے؟ کل کے روز محمود مدنی صاحب ان کا بیان آیا ہے کہ ایسے لوگ جو ملک کے مسلمانوں کی لیڈرشپ کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، اس ملک کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو دور رکھیں۔ لیکن علماء اکرام اگر بول رہے ہیں تو علماء اکرام کے اوپر کامنٹ لان تان، ارے تم کیا برابری کرو گے؟ مدنی گھرانے کی وہ ایک ایسا گھرانہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے پہلے سے لے کر آج تک مسلمانوں کو صحیح راہ صحیح سمت میں بتانے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ الحمدللہ ہندوستان کے مسلمانوں کا اعتماد کل بھی اپنے علماء اکرام پہ تھا، آج بھی اپنے علماء اکرام پہ ہے اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک علماء اکرام پر رہے گا۔ اور ایسے ملت فروش زمین فروش تو بہت آئے اور چلے گئے، ایسے قوم کے سوداگر تو بہت آئے چلے گئے، لیکن ایمانداری سے بتاؤ کہ ہندوستان کے علماء کرام جن کی عظیم قربانیوں کی وجہ سے یہ ملک آزاد ہوا ہے، کیا قوم کے اعتماد کبھی علماء کرام سے ہٹا ہے؟ میرے بھائی کبھی مولانا سلمان ندوی کے خلاف میں بول لینا، کبھی کسی عالم دین کے خلاف میں بول لینا، اور اس قدر تکبر میں چور چور ہے، مغروریت میں چور چور ہے میرے بھائی، اور جب اسٹیج پہ آتے ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، لیکن اسٹیج سے اتر کر ایک جلسے میں جتنے لوگ ہیں کبھی علیحدہ میں ملو میرے بھائی اور دیکھو ان کی فطرت کو، جانو ان ظالموں کو، مت دو ان کا ساتھ، نہ ٹی آر ایس کا ساتھ دو، نہ یاجوج اور ماجوج کا ساتھ دو، نہ اس کے 16 حواریوں کا ساتھ دو، اگر ساتھ دینا ہی ہے تو آپ کے سامنے یہاں پر سیکولر فورسز ہیں، آپ کے سامنے آپ کے بھائی ہیں، ان لوگوں کا آپ ساتھ دو۔ پچھلے جہاں کی بات کیے، خواجہ یونس کی بات کیے، بڑی بڑی تحاریر کیے، یا کبھی ان کو جا کر پوچھو کہ عشرت جہاں ممرہ کی رہنے والی وہ بچی جس کا انکاؤنٹر ہوا، کیا اس کے گھر پر جا کر کبھی یہ لوگوں کو توفیق ہوئی کہ اس کی کچھ مالی امداد کر دے؟ کبھی توفیق ہوئی ان لوگوں کو کہ کبھی یہ لوگ جا کر خواجہ یونس کے گھر پہ جا کر مالی امداد کیے؟ ارے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں میرے پیارے مسلمانوں، نجیب کے لیے بات کرتے ہیں، ایک ایک دو دو گھنٹہ تقاریر کرتے ہیں، عشرت جہاں کا نام لے کر تقریر کرتے ہیں، اور پھر خواجہ یونس کا نام لے کر تقریر کرتے ہیں، لیکن کبھی پریکٹیکلی جا کر ان لوگوں نے کبھی بات کی، مدد کی ان کی؟ یہ اور ان کے ایم ایل اے ابھی کچھ نہیں چڑھا، ماحول کا گھروانا ہے، انتخابات کا وقت ہے تو کیا کرے؟ وہاں سے اسکرپٹ آتی ہے امیت شاہ کے ذریعے سے، مودی کے ذریعے سے، ایسا بولنا ہے، اور اس کے بعد نہ کوئی پوچھتا ہے نہ ان کے گردن پہ چھری رکھتا ہے، کھڑے رہ کر بولتے ہیں کہ اگر میری گردن پہ چھری بھی رکھ دیں تو میں بھارت ماتا کی جے کا نعرہ نہیں دوں گا۔ گنپتی بپا موریا، گنپتی بپا موریا بول رہے، ان کے مہاراشٹر کے ایم ایل اے، ان کے لوگ بھارت ماتا کی جے کا نام لے رہے، یہ لوگ خود کھڑے رہ کر وہ جے ملہار یہ وہ کیا کیا بول دیے، لیکن آج کیا تم یا تمہاری قیادت صرف اور صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنی ہے؟ ارے پریکٹیکل کام کر کے بتاؤ، اگر پریکٹیکل کام کرتے
तो यकीनन तुम यहां पर केसीआर के सामने ठहर कर बोलते कि अगर इलेक्शन में अगर तुम्हारे साथ हमको आना आया है या हमको या तेलंगाना के मुसलमान अगर तुम्हारे साथ तुमको लेना है तो तुमको 12% रिजर्वेशन का ऐलान करना होगा। अगर तुमको केसीआर का साथ देना था, मुसलमानों का ख्याल था, तो तुम खड़े रहकर कहते कि हमारा मुतालबा है कि मक्का मस्जिद के बम ब्लास्ट के आरोपियों को जो छोड़ दिया गया है आप हाईकोर्ट में रीट को दाखिल करो। वो भी नहीं किए, खामोश हो गए मेरे भाई। महाराष्ट्र में आकर हमारे पास में भोपाल के एनकाउंटर के बच्चों की बात किए, हर जगह तहरीर किए, लेकिन खुद के अपने हलके में वहां पर उन 5 बच्चों को शहीद किया गया, उनके लिए इन्होंने क्या किया? अरे आज अगर कोई इनके खिलाफ में इन तमाम खामियों को लेकर उठता है, बोलता है तो पीडीएफ में डाल लेते हैं, केसेस में बुक करवाते हैं। मैं सलाम करता हूं उस्मान अल हाजरी को कि वाकई हैदराबाद में एक ऐसा मर्द मुजाहिद खड़ा हुआ है जो इनके खिलाफ में खड़ा रहकर व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए से ऑनलाइन आकर इनके खामियों को बयान करता। आज बात हुई मेरी, मैंने कहा कि उस्मान भाई अल्हम्दुलिल्लाह तुमको तो तमाम चीजों का इल्म है और काफी जायदादें हैं, कितने गवर्नमेंट के इसमें है कि कितनी जायदादें औकाफ के अंदर में है और किस पे कब्जे हैं। रोज लाइव आते हैं, रोज बोलते हैं। मैं बोला क्या वजह है भाई, अवाम के सामने आकर जलसों के जरिए से बयान क्यों नहीं कर? बोले मोइन भाई आपके जैसा माहौल हमारे पास नहीं, हमारे पास नहीं है। अगर मैं यहां पे ठहर जाऊं तो मुझे पहले तो पुलिस इजाजत नहीं देती, रोकती है कि आप इनकी खामियों का बयान मत कीजिए। और ये ऐसे कौम के लुटेरे हैं, ऐसे चापलूस हैं कि जो इख्तदार में रहता है उसकी जूतियां सीधी करने में लग जाते हैं, फिर पुलिस का भी इस्तेमाल होता है, इख्तदार का भी इस्तेमाल होता है। यहां पर भी वही किए, यहां पर भी वही किए मेरे भाई, यहां पर भी वही काम किए। आज जरूरत इस बात की है कि ऐसे लोगों को जो मिल्लत फरोश है, ऐसे लोगों को जो कौम के शहदाओं पर कुछ नहीं बोलते, ऐसे लोगों को जो आका की जायदादों पर कब्जा किए हुए हैं, इनको इख्तदार से दूर रखो, दूर रखो ऐसे जालिमों को, मत तो इन्हें फिर से रोका। याद रखो मुसलमानों, वोट आपकी अमानत है और इस अमानत का हिसाब लिया जाएगा। और फिर इनकी अपनी भाषा में वोट को ये लोग क्या कहते हैं मालूम है? बरकत की ओर, हकीकत है, मुस्कुराने की बात नहीं, ये लोग बोलते बरकत के रोट। मैं कई मरतबा गया हैदराबाद में, पूछा कि भाई कितने फीसद पोलिंग? बोले भाई कोई निकलता ही नहीं वोट डालने के लिए, इनके अपने चेहरे चपाटे गुंडा सिफत अनासिर 10-10, 20-20, 50-50 जाकर ओट मारते और जितवाते हैं। अगर वाकई अगर एक एक घर का अगर सर्वे कर लिया जाए, एक एक मर्द खवातीन से जाकर पूछ लिया जाए क्या तुमने हकीकत में इनको ओट डाला है, तो 70-50% ऐसे लोग मिलेंगे जिनको ओट नहीं डालते बल्कि इनके ओट जाकर कोई दूसरा डाल देता। ये हालत है मेरे भाई, इसके लिए बेहद जरूरत है कि ऐसे लोगों को जो लोग इख्तदार में आकर इख्तदार का गलत इस्तेमाल करते हैं उनको इख्तदार से दूर रखा जाए। बल्दियाती इंतखाबात हुए, लोगों की कई उम्मीदें थी और यहां के कॉर्पोरेटर्स को लोगों ने कहा था कि कुछ काम कर दिखलाएंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स कैसे कॉन्ट्रैक्टर्स
कि ये मजलिस के कॉन्ट्रैक्टर्स होना तो ये चाहिए था कि काम ले थे लेकिन कमीशन खोर बन गए। शादी मुबारक स्कीम का काम सामने आया तो रहुमात की तलवी कर ली और खुद रोजगारी का काम ये करने लगे। आज मजलिस के वो कॉर्पोरेटर जो अवामी नुमाइंदे के बनने के बजाय अवाम का काम करने के बजाय इन्होंने क्या काम किया है, कैसी धांधली की है, आप खुद जानते हैं। आज मेरे प्यारे मुसलमानों, शहर का आज अगर सर्वे कर लें और शहर की अगर मालूमात दे लें तो आपके निजामाबाद शहर का सर्वे करने के बाद आपको पता चलेगा कि ऐसे लोग जिनको आपने चुन कर दिया था आज ऐसे लोगों से लोग दूर होना चाहते हैं, लोग दूर होना चाहते हैं। आज यहां पर आपके शहर में आज समाजवादी पार्टी की जानिब से ऐसे उम्मीदवार को आपके मैदान में उतारा गया है कि वाकई जिसको खिदमत खल्क का शौक है, वाकई जो आपके दरमियान में रहकर काम करना चाहता है, जो यहां के डेवलपमेंट को करना चाहता है। कमजोर है लेकिन ताकत आपको देना होगा, कमजोर है लेकिन आपके वोटों की ताकत के जरिए से असेंबली में भेजना होगा, कमजोर है लेकिन आपको चाहिए कि आप इनकी मदद करें। आज मेरे भाई, आज पूरे हिंदुस्तान के हालात पर गौर करो, सही फैसला लो, ऐसे जज्बाती बातों में मत आओ, जज्बाती नारों में मत आओ। अरे ये वो लोग हैं जो महाराष्ट्र से निकलकर हद्दो गारत गिरी जो हम पर हो रही थी छोड़कर भाग के चले आए। आपको मालूम है आपके पास के याजूज और मौजूद के आबा अजदाद कहां के हैं? महाराष्ट्र का एक शहर लातूर है, लातूर से 18 किलोमीटर पर औसा है और औसा के बुजुर्गों से जाकर जब मैंने इनका साथ छोड़ा तो मेरी एक आदत है कि मैं जाकर किसी की तहकीक करता हूं, तहकीक किया तो ऐसा औसा के बुजुर्गों से पूछा लोग कब थे आपके पास, कैसा गए? तो बुजुर्गों ने कहा कि बेटा जिस वक्त पुलिस एक्शन हुआ, जिस वक्त ऑपरेशन पोलो हुआ, जिस वक्त दखन में हद्दो गारत गिरी का सिलसिला चल पड़ रहा था, जिस वक्त मुसलमानों की जिंदगियों को तबाह ताराज किया जा रहा था, जहां पर मुसलमानों को जलाया जा रहा था, काट दिया जा रहा था, ऐसे माहौल में सबसे पहले इनको संदेशा मिलता है और इनके आबा अजदाद को संदेशा मिलता है कि ये सब होने वाला है, हम छोड़ने वाले नहीं है, मारो खतरो गारतगिरी करने वाले हैं। तो ये लोग वहां से भाग कर आकर हैदराबाद में बनारसी बनकर बैठ गए। हैदराबाद में आकर बनारसी ये लोग कैसी कैसी बातें के घर में उम्मत रसूल के दामन में खड़े रहकर खस्मों को खाते हैं, कुरान का हवाला देते हैं, नाउस बिल्ला मिन सालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं। ये तो गुस्ताख रसूल है। मुसलमानों याद रखो, ये कौम के नहीं हो सकते। अरे कौम के नाम पर तिजारती कारोबार को बढ़ा दिया इन्होंने, कौम के नाम पर, इत्तेहाद के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर आज ये लोग क्या गुल खिला रहे हैं देखिए। अरे कौम के उन आलिमों को जाकर देखो जिनके दिल में तड़प है, दर्द है, फिक्र है, उनकी हालत जाके देखो। और इन्हें देखो कि पहले मकान कैसा था, आज कैसे मकान में रहे। मुसलमानों एक अहम और जरूरी बात आपके सामने रख रहा हूं, ये लोग मजबूर है बीजेपी का काम करने के लिए, ये लोग मजबूर है अमित शाह
और बीजेपी के इशारों पर चलने के लिए उसकी अहम वजह है कि सबसे ज्यादा औकाती जायदादों को अगर किसी ने हड़पा है, बेचा है, कब्जा किया है तो ये लोग ने किया है। और इनको पता है कि अगर हम नरेंद्र मोदी या अमित शाह के इशारे पर जाकर हिंदुस्तान में अगर हिंदुत्व को मजबूत नहीं करेंगे, फिरका परस्ती के माहौल को पैदा नहीं करेंगे, तो हम कभी भी जेलों की सलाखों के पीछे जा सकते हैं। सही है, गलत है? अगर कोई मजहब के नाम पर गाली देता है तो एफआईआर होती है, अंदर डालने आता है। लेकिन धड़ाधड़ 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 दूसरे मजहब के खिलाफ में बोलना, दूसरे मजहब के देवी देवताओं के खिलाफ में बोलते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। पहचानो मुसलमानों, अरे इनका क्या है? अरे कल भी अगर दखल लूट रहा था महाराष्ट्र में, कत्ल और गालतगिरी हो रही थी महाराष्ट्र में, खून रेजी हो रही थी महाराष्ट्र के मुसलमानों को ऑपरेशन पोलो के नाम पे लातूर जैसे शहर में उनकी तिजारत गाहों को जलाया जा रहा था, उनको काट दिया जा रहा था, मस्जिदों को शहीद किया जा रहा था, औरतों की इज्जत दी जा रही थी उस वक्त में, वैसे माहौल में छोड़कर जब ये लातूर और औसा की सरजमीन को छोड़कर, वहां के रिश्तेदारों को छोड़कर, वहां के पड़ोसियों को छोड़कर, वहां से मुसलमानों की बिलकती हुई लाशों को छोड़कर, मुस्लिम बहनों के आंसुओं को छोड़कर वहां से जब हैदराबाद को आ सकते हैं, तो दिन दूर नहीं है कि हिंदुस्तान में फिरका परस्ती का अपना झंडा लहराकर मुसलमानों को हिंदुओं से कटवाकर, हिंदुओं को मुसलमानों से कटवाकर चार्टर प्लेन लेंगे और लंदन को ये लोग चले जाएंगे। मेरे भाई गलत नहीं कह रहा हूं, मेरे भाई बड़ी सोच समझ के जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कोई कौम की हमदर्दी जमीन फरोशों के पास में नहीं है। अरे अगर कौम के सच्चे हमदर्द होते तो उस असना में, उन हालात में लातूर में ठहर कर मुसलमानों के आंसुओं को पोंछते, जलती हुई आबादियों के ऊपर पानी डालने का काम करते, मुसलमानों की सिस्टियों पे वहां की हमारी इज्जत और पर्दानशीन माह बहनों को सहारा देते। लेकिन ये लोग मक्कार है, अय्यार है, अपनी तकारीर के जरिए से हिंदुस्तान में फिरका परस्ती के माहौल को पैदा कर फिर से 2019 में ये लोग बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी को इख्तदार में लाना चाहते। अरे मेरे भाई, संघ परिवार में हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में हिंदुत्व के हामी राम सेना, हिंदू महासभा, अभिनव भारत, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, शिवसेना, सबके सब ने मिलकर मेहनत की, पिछले 70 साल से मेहनत करते रहे लेकिन नाकाम हो गए। लेकिन इनके याजूज और माजूज की तकारीर ने आज हिंदुस्तान में ऐसा फिरका परस्ती का बीज बोया कि उत्तर प्रदेश जाते हैं तो बीजेपी की हुकूमत आती है, अगर महाराष्ट्र में जाते हैं तो बीजेपी की हुकूमत आती है। इनके अपने तकारीर के जरिए से ऐसा माहौल पैदा हो रहा है कि एक एक हिंदू जो सेकुलर था मुसलमानों से नफरत हो गई। ये लोग कौम के नहीं है मेरे भाई, बचो इनकी साजिशों से, बचो इनकी अय्यारी और मक्कारियों से, बचो इनके जज्बाती बयानात से, सही फैसला लो। आज मुल्क को सिकुलर ताकतों की जरूरत है। अरे आज अल्हम्दुलिल्लाह सिकुलरिज्म का लंबरदार हिंदुस्तान में मौजूद है। मुलायम सिंह यादव ने सेकुलरिज्म को कायम करने के लिए अपनी कुर्सी को लात मारी लेकिन सेकुलरिज्म को कमजोर होने नहीं दिया। आइए मेरे प्यारे मुसलमानों, हम सब मिलकर इत्तेहाद के जरिए से, हम सब मिलकर उलमाओं की रोशनी में, उनकी रहनुमाई में अपने आप को ताकतवर बनाओ। डरो मत, घबराओ मत, इंशाल्लाह फिर से मैं आऊंगा और इन याजूज और माजूज के बारे में फिर से आपको तफसीली गुफ्तगू करूंगा। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नानेवड़ न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।